with me. Hey everyone, तो मंगलवार की दोपहर के 4 बज रहे हैं, वैसे शाम ही होने वाली है। तो आज मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लीन कर ली जाए। क्या हो गया है ना कि 2 महीने जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, डीप क्लीन नहीं हो पा रहा है। सिर्फ झाड़ू पोछा होता है, खाना बनता है, बर्तन धुलते हैं और डस्टिंग ऊपर ऊपर हो जाती है, बट डीप क्लीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि रेगुलरली पहले होती थी बट अभी इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता। अकेली जान क्या क्या करेगी यार, है ना, ब्लॉग भी बनाए, टीम भी हैंडल करे, खाना भी बनाए, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और कुछ चीज़ें जब आपके मन मुताबिक नहीं चलती है ना, मतलब ये सारी चीज़ें अगर सही से ऑर्गेनाइज ना हो, सही से साफ ना हो, तो मन भी नहीं लगता। तो ये देखिए, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये देखिए, जैसे कुछ मसाले गिरे हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे कोने में और मसाले गिरे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, डीप क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे साफ करेंगे। और साथ ही साथ ना क्या होता है कि ये जो मसाले के डब्बे हैं, ये थोड़े से ऑयली भी हो जाते हैं, तो इन्हें मैं साफ करूँगी, मतलब ऊपर से ही, ऐसे नहीं कि सबको निकाल निकाल कर, एटलीस्ट ऊपर से ही, तो कैसे ना हाथ लगाने में अच्छे लगेंगे, जैसे इन्हें मैंने अभी अभी किया। तो मैं ये सब जब कर रही थी तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, दिखाया जाए क्या चल रहा है। पहले मैं ये दिखाने वाली थी, क्योंकि क्या होता है ना, ब्लॉग करते समय ये सारी चीज़ें भी दिखाना ना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। देखिए अभी मैं आपसे 1:37 से बात करती थी, इतना देर में मैं कम से कम 2 बॉटल्स तो साफ कर लेती, तो ये सारी चीज़ों की वजह से। पर यार ब्लॉग का भी काम करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी पूरा साफ किया, ये पूरा साफ किया, थोड़ा सा ये भी मैसी हो गया था तो इसे भी साफ़ किया। अब मैं ये मसाले के डब्बे साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जो भी मसाले ख़त्म हो गए हैं, जिसमें जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो भी डालूँगी, आपको दिखाऊँगी। ठीक है, चलिए आप देखिए एक जगह खड़े होकर। ओके, सो थोड़ा सा आराम, काफ़ी देर लग गया काफ़ी सारी चीज़ें करने में। थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी पूरा किचन की कैसा बना क्या बना, ठीक है। अभी मत पूछिए या अभी मत बोलिए कि दिखाओ, लेट मी टेक अ ब्रेक। काफ़ी मेहनत लग जाती है जब आप डीप क्लीनिंग करने जाते हो ना, फिर आपको ऐसा लगता है ये भी साफ़ कर दो, वो भी साफ़ कर दो, है ना, लगता है कि नहीं। और फिर आप समय का थोड़ा भी वो नहीं करते कि भाई कितना बज रहा है, क्या बज रहा है, 4:45 बज रहा है, पर ठीक है, 1.5 घंटा। अभी थोड़ा सा झाड़ू लगाना है, थोड़ा सा फैल गया है तो झाड़ू वगैरह लग जाएगा, उसके बाद दिखाती हूँ। ठीक है, अभी लगाती हूँ झाड़ू, थोड़ा सा सांस ले लेती हूँ बैठ कर। ओके, आराम वगैरह हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। ब्राइटनेस, ओके, सो जितनी भी चीज़ें धोई ना, उनको अभी बाहर सुखाने के लिए है। तो ये देखिए, इतनी सारी चीज़ें धुल गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी है ना, और सारी चीज़ें धो धा कर रख दी है। और क्या क्या कैसे कैसे मैंने क्लीन किया, और कचरा देखना आप, ये देखिए 2 पैकेट्स भर के कचरा निकला है। ये देखिए सारा, जो भी सामान खाली करने के बाद या जो भी चीज़ें अंदर थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी या फिर ऐसे ही पैकेट्स थे, वो सारी चीज़ें निकाल दी है इसमें। सो काफ़ी सारा कचरा वो जमा हो गया है, इसे कल फेंका जाएगा। और चलिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर लिस्ट भी लगा दी है मैंने कि क्या क्या सामान अपने में ऑर्डर करना है, तो आइए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग सारी ग्रॉसरी रखते हैं बेसिकली, तो जैसे ये सत्तू का आटा, बेसन, नमक, चना, जो भी, मतलब ये सारी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पर। और ऊपर की तरफ यहाँ पर मसाले, यहाँ पर जैसे स्प्रिंकल्स, विनेगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हनी, कोको पाउडर, तो ये सारी चीज़ें। और ऊपर की तरफ अनिका की बिस्किट्स, घी, ग्लास, एक्स्ट्रा ग्लासेस एंड सिल्वर फॉइल, बिस्किट और मैगी, प्रोटीन एक्स। और ऊपर ना थोड़ी जगह थी तो एक्स्ट्रा अंडे रख दिए हैं। तो ये इस तरह से हमने, मतलब मैंने सेट कर दिया है। और
बाकी तो हमारा थोड़ा सा जो दाल चावल आटा है ऊपर की तरफ रखा है क्योंकि वो नीचे नहीं रख पाते हम लोग। और ये है मैदा, मैदा काफ़ी सारे पैकेट्स में थोड़ा 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 बचा हुआ है, तो जैसे ही कोई डब्बा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, वैसे ही मैं उस डब्बे में डाल दूँगी। यहाँ पर भी सारी चीज़ों को भर दिया गया है, डब्बे सारे जो भी थे उसमें भर दिए हैं। और ये वाला मैं सारी चीज़ें भर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी सारे मसाले वगैरह भर दिए हैं, सारे मसाले वगैरह अच्छे से रख दिए हैं। और यहाँ से मैंने ना वो जो बुलबुल से मैंने जो ख़रीदा था मसाले का डिब्बा वाला, वो हटा दिया क्योंकि उसका इस्तेमाल मैंने देखा मैं कर नहीं रही थी अच्छे से, मैंने उसे हटा दिया है यहाँ से क्योंकि जगह बहुत लग रही थी। तो अब किचन में काफ़ी अच्छा लग रहा है जब मैं सफाई कर लेती हूँ ना, बिलीव मी, मुझे अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलती है ना, वो वही समझ सकता है जो इस तरह के काम अपने घर पर करता है। तो आई एम श्योर मेरी मैक्सिमम ऑडियंस ऐसी ही है, औरतें हैं जो मेरी ब्लॉग्स देखते हैं, तो डेफिनेटली वो मेरे से रिलेट कर रहे होंगे इस समय कि कितना अच्छा फील होता है ना। तो आज के लिए काढ़ा बन रहा है, थोड़ा खिड़की बंद कर लूं, ये हवा बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और लगे हाथ। ये मैंने इसलिए भी बंद किया था क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ लगे हाथ खाना भी, तो आज मैं तुवर की दाल और उड़द की जो दाल होती है ना वो दोनों मिक्स बनाऊंगी। हमने अमेजोन प्राइम से सब्जियाँ मंगवाई थी पर बहुत कम सब्जी आई, शिमला मिर्च और नींबू और भिंडी बस, बाकी सारी सब्जी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। हमारे यहाँ पर बिग बास्केट डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, स्लॉट्स पूरे बुक हैं। उसके बाद स्विगी करता है पर स्विगी के एक स्लॉट्स होते हैं जो हम हमेशा मिस कर सकते हैं, तो सब्जी में थोड़ा सा हमें दिक्कत अभी हो रही है। तो ये हो गई दाल, चढ़ा देती जब तक काढ़ा बन रहा है, उसके बाद अम्मा की चाय बनाऊंगी। तो किचन में जब तक हूँ तब तक खाने की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, इस काढ़े में ना मैं ये गुड़ का पाउडर डालती हूँ जो मेरे पास है, ये ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर है जिससे मिठास हो जाता है। तो चाय दे दी जाए, काढ़ा दे दिया जाए राज को। ये लॉक का काढ़ा रेडी है, और ये देखो अनिका ने क्या किया, आइसक्रीम आधी छोड़ दी, लिया और खाई भी नहीं और वो छोड़ दी, अभी वो यूजलेस हो गई। सब डाल दिया मैंने इसमें, जो मसाला मिला किचन में। हाँ, मना वाला है, किसी भी चीज़ से इम्यूनिटी बढ़ सकती है, जो भी चीज़ ऐसी हो सकती है सब डाल दो, बस चीनी नहीं डाला, गुड़ डाला जैसे कल बनाया था वैसे ही। दालचीनी डाला? हाँ, दालचीनी भी डाल दिया। सो मैंने काढ़ा मंगाया, हाँ राज ने काढ़े की ऐसे टैबलेट्स मंगवाई है, उसमें सब कुछ ऑलरेडी डाला रहेगा, प्रोपोर्शन वगैरह सब कुछ सही रहेगा। अभी हम लोग को क्या समझ में नहीं आता, हम लोग डाल देते हैं, बट हर एक चीज़ की एक प्रोपोर्शन होता है कि इतना चाहिए उतना चाहिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आराम हो जाएगा कि बस गर्म पानी में उस टैबलेट को डाला और काढ़ा बना लिया, तो आसान है। आएगा जब तो दिखाऊंगी, अम्मा की चाय चढ़ा दो नहीं तो वहाँ से आ जाएगा मुझे बुलावा, मेरी चाय किधर है, आ रही है। ओके, तो हॉट स्टार अब इधर रखो ना, मैंने ब्लॉग करने के लिए बोला कि थोड़ा सा रोक दो पर रुक नहीं रहा है। हाँ, नहीं वहाँ से राज सिंह ना बोल ले जो अपना अकाउंट अपना खोल रखा है। ओके, सो यहाँ पर बैठे बैठे मखाने खा लिए है, राज ने अपनी चाय पी ली है, काढ़ा
एकदम छोड़ चुका हूँ। और मैंने भिंडी भी काट ली है, मतलब बैठे बैठे आजकल ऐसे सारे काम होते रहते हैं जिससे टाइम की बचत हो, बिल्कुल ऐसा लगे ना कि यार टाइम के साथ हमने कुछ किया नहीं, तो मैं इस तरह से अपना टाइम जो है बचाती हूँ। आजकल हम लोग खाना जल्दी खाते हैं ना। हाँ राइट, तो अब मैं जा रही हूँ भिंडी की सब्जी बनाने, 6:30 बजे खाना खा लेते हैं। 7:30 बजे मतलब खाने बैठ जाते हैं तो 7:45 तक खा के हो जाता है। yes. सब सही में अच्छा है ना, सुबह खाना अच्छा होता है। तो आज बन रही है मसाला भिंडी, मसाला भिंडी बनेगी। तो डिनर तो हो गया हमारा, अभी तो आदमी नहीं आए हैं। अब मैं अपना कुछ काम खत्म करूँगी, मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट इन द सेंस एक डिटेल वीडियो के लिए सारी लिखनी है, तो आराम से बैठकर लिखूंगी। सब बंद कर लिया, एसी ऑन कर लूँ एंड आराम से सोचते हुए, क्योंकि थोड़ा कभी कभी चीज़ों के बारे में डिटेल सारी अच्छे से आपको बताना मुझे अच्छा लगता है। चालू हो जा। और यहाँ पर जो था DIY वाला मेरा, वो बहुत मुझे गंदा लगने लग गया था जो कि वॉशेबल नहीं था, तो मेरे पास ही मोर पंख की रखी थी, मैंने अभी लगा दिया। सो आई वॉज सर्चिंग वन मिरर, मुझे एक ऐसा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में मिरर चाहिए था जो मैं इधर लगा पाऊँ बस एक लुक के लिए, तो मुझे वो मिल नहीं रहा। अमेजोन पर मैंने देखे पर पता नहीं क्यों बहुत से लोगों ने लिखा था कि उनके टूट कर आए एंड ऑल, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मुझे वो मिरर मिलेगा जो मुझे चाहिए। लेट्स सी, तो चलिए थोड़ा सा आधा पौन घंटा लैपटॉप ले लिया है, आधा पौन घंटा इस काम को दिया जाए और लिखा जाए जो मुझे लिखना है। और मेरे लिप्स पर ये वाला शेड था, आई चूज। ओके गाइस, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, काम खत्म कर लेती हूँ। सो 50 मिनट के बाद, क्योंकि अभी बज रहे हैं 8:50 और मैंने जो काम करने के लिए लिया था वो ख़त्म कर दिया है, मेल सेंट। सो अच्छा लगता है जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अब जाऊंगी थोड़ा सा फैमिली के साथ टीवी देखूंगी। सो मुझे तो लगा था कि मेरी फैमिली टीवी देख रही है, पर ऐसा कुछ नहीं, राज भी अपना काम कर रहे हैं और अनिका अपना गेम खेल रही है, अम्मा सो गई है, मतलब लेटी हुई है, सोई नहीं है अभी, लेटी हुई है मतलब। सो मैं अभी जाऊंगी किचन। जी हाँ, फिर से मैंने और एक बार किचन बोला, जहाँ का काम मेरा आज का ख़त्म हो चुका है, फिर भी मैं किचन बोल रही हूँ। पता है क्या बनाने, बता। आज मैं स्वीट डिश बना रही हूँ। हाँ, ये ऐसी स्वीट डिश है कि आप इसे कभी भी खा सकते हो, वो भी बिना शुगर के। पता है क्या, खजूर बर्फी। यस, तो मैं बनाने जा रही हूँ खजूर बर्फी। तो चलिए बनाते हैं खजूर बर्फी, जो कि बहुत आसानी से घर पर बन जाती है, और किचन की लाइट तक बंद हो गई थी। मेरे पास ना, मैं आपको बता दूं, खजूर का ये पेस्ट है ऑलरेडी, जो कि अर्बन प्लैटर का है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, अमेजोन पर मिला था, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और कुछ खजूर को मैंने इस तरह से बारीक काटा भी है, इसका सीड निकाल कर, वो इसलिए क्योंकि ये पेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा खजूर के चंक्स मुँह में आए। अब मैं पॉपी सीड्स जो होते हैं खसखस, उसे हल्का सा भून लूँगी। और ये पैन आज ही आया है, राज ने ऑर्डर किया है, तो इसी में बनाने जा रही हूँ, और इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये सिरामिक वाला पैन है।
जैसे कि आपने देखा बहुत ही आसान सा स्टेप था, घी में मैंने खजूर को डाला और फिर खसखस यानी पॉपी सीड को भी डाला और जो भी आपके पास नट्स है वो सब डाल दो। मैंने बादाम डाले, मेरे पास इस समय सिर्फ बादाम है, और अच्छे से लगभग 3 मिनट के लिए उसे मिक्स किया। और ये अभी बहुत गर्म है, इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, पर रूम टेम्परेचर पर नहीं, ये याद रखना है, जिससे मैं इसे एक प्रॉपर शेप दे पाऊँ। क्योंकि आप ऐसे खाओगे ना तो इतना मज़ा नहीं आएगा, इसे आप एक शेप दोगे तो इसका खाने का मज़ा अलग हो जाएगा। तो मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा सा कूल डाउन है, क्योंकि ये इस समय बहुत गर्म है। तो लगभग 1 घंटा पहले मैंने वो जो खजूर का हलवा है उसे फ्रीज में रख दिया था सेट होने के लिए। यस, ये सेट हो गया है, एक ही निकाल, एक अंदर ही रख रही हूँ उसका ना, एक और बस काट कर दिखाती हूँ। विल टेक सम मोर टाइम टू सेट, इसलिए मैंने बस एक काटा, उसे को उसको सब खाएंगे और इसको डाल रही हूँ अंदर, कल सुबह काटेंगे। बहुत यम्मी, सच में। गुड मॉर्निंग, तो चने लगाए थे सुबह सुबह उबलने के लिए, उबल चुके हैं, चने का ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। और थोड़े से जो कुछ डब्बे थे वो रह ही गए थे दिल्ली के, तो उन्हें भी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले धो दिया है। वो क्या बोलते हैं ना, भूत सवार हो गया है किचन साफ करने का, तो बस वही चल रहा है। ओके, सो नाश्ता हो गया है, चने खाए हैं, आज मैंने फ्रूट्स नहीं खाए, मुझे लगा थोड़ा चेंज भी करना चाहिए और गायत्री मंत्र। तो मैंने ना अमेज़ॉन से ये टूटी फ्रूटी मंगवाई थी, वैसे इसे घर पर बना सकते हैं पर काफ़ी मेहनत वाला काम है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मंगवा ही लेती हूँ। तो ये मुझे मिला, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इनकेस अगर आपको चाहिए तो। अब मैं इसे इस कांच की बॉटल में निकाल कर फ्रीज में रख देती हूँ। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि सारे काम हो चुके हैं, ये मुझे तो अवार्ड देना चाहिए। और पता है कितने बज रहे हैं, ये देखिए 10:09, झाड़ू पोछा बर्तन और क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट सब हो चुका है, अब सिर्फ लंच बनाना है। तो आराम से मैं अभी अपना ब्लॉग पब्लिश का काम कर सकती हूँ अपनी टीम के साथ, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं मीटिंग कर सकती हूँ कि कैसे एडिट करना है, कौन सा एडिट करना है, कब एडिट करना है, सब कुछ बात कर सकती हूँ। और उसके बाद आराम से लंच भी बना सकती हूँ एंड दोपहर के टाइम पर एक हाथ दो वीडियो भी शूट कर सकती हूँ। लाइक समय लगा बट फाइनली अब काफ़ी सारी चीज़ें आसान होने लग गई है, अब होने लग गया अपने आप ही। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी थी, बहुत जल्दी नहीं, 7:30 बजे वगैरह, और कंटिन्यूसली जब लग गई तो हो ही गया। राज ने भी अपना झाड़ू पोछा टाइम पर ख़त्म कर दिया, मैंने भी किचन की सारी काम टाइम पर ख़त्म कर दिया, बेड वगैरह भी सब कुछ लग गया है, सब घर एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल घर मैसी नहीं है इस समय। तो ये सारी चीज़ें ना दिन की शुरुआत में हो जाए ना, तो इससे बड़ी खुशी ना सच में और कोई नहीं होती है, और बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक पेड़ों में पानी बाकी है तो वो डाल देंगे, इतना कुछ नहीं। राज भी अपना ऑफिस में बैठ गए हैं, मैं भी अभी यहाँ पर अपने ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए बैठ जाऊँगी और टीम के साथ थोड़ी सी डिस्कशन के लिए बैठ जाऊँगी। और अनिका का भी अभी 10:30 बजे ऑनलाइन क्लास है, आज उसके टोटल 4 क्लास है। तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, अच्छा लग रहा है। आपका कैसा जा रहा है, आप कैसे अभी रूटीन पर आए हो कि नहीं आए हो, या अभी भी स्ट्रगल बाकी है? मेरा तो स्ट्रगल पीरियड जैसे मुझे फील हो रहा है ख़त्म हो गया, अब सिर्फ हो रहा है, मतलब हो रहा है, क्या बोलूँ मैं आपको।
आप अपना बताना कि आपकी अभी भी स्ट्रगल बाकी है कि आप मेरे से पहले यूज्ड टू हो गए थे या मुझे सच में बहुत टाइम लग गया। एंड डेफिनेटली मैं मानूंगी कि मुझे बहुत टाइम लग गया इस फेस के साथ स्ट्रगल करते करते, खुद को सेट करते करते, बट फाइनली आई डिड इट। यस, मुझे सच में अवार्ड देना चाहिए ऐसा फील होता है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसी हूँ मैं, ऐसी हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अपने अंगूठे को थोड़ा एक्सरसाइज दीजिए, जो कि बहुत आसान होती है, बस इसे क्लिक करना होता है, कुछ नहीं, बस एक्सरसाइज भी हो जाती है और मुझे लाइक भी मिल जाता है। वैसे लाइक मिलने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा ब्लॉग लेकर आता हूँ। चलिए फिर, बाय बाय, खुद का ख्याल रखिएगा।